हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे ऑडिटिंग का, जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर प्लस बीकॉम थर्ड ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी उसके मीनिंग, डेफिनेशन, उसके नीड, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर चुका है पार्ट वन में। ये आपका पार्ट टू है, जिसमें जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स ऑडिटिंग से बचे हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हु इज़ ऑडिटर और एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अंकित छड़ के गुण क्या होते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर की अगर हम बात करें तो ऑडिटर हम पहले जाने किसे कहते हैं, मींस जो ऑडिटिंग का जो काम करता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटर कहते हैं। मींस ऑडिटर जो होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बाहर से क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, बाहर से मतलब ये होता है कि किसी कंपनी का एम्प्लॉय या अकाउंटेंट नहीं होता, वो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जिसके पास एक डिग्री और सर्टिफिकेट होता है। इसे क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हायर करते हैं और ये ऑडिटर उनकी कंपनी के सारे अकाउंट्स बुक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करता है और उसे अपनी रिपोर्ट बताता है कि वो सही से प्रिपेयर किए गए हैं नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, ये कौन होता है, दैट इज़ ऑडिटर। और ऑडिटिंग की ये प्रोसेस होती है कि वो काफ़ी मुश्किल होती है और इसे अच्छे से पूरा करने के लिए एक ऑडिटर के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो ऑडिटिंग का काम अच्छे से कर सकता है। तो सारे अकाउंट्स को अच्छे से चेक कर सकता है और कंपनी को अच्छी रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर सकता है। तो हम देखेंगे कि ऑडिटर किसे कहते हैं और एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम बात करें एक ऑडिटर की, जो क्वालिटीज़ होती है हम उसको दो पार्ट में बांटते हैं, जिसके अंदर उसकी और भी क्वालिटीज़ आती हैं, इस तरह हम क्या हो अच्छे से उसको समझ सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो पहली जो होती है आपकी एक्वायर्ड नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब उपार्जित ज्ञान। तो एक्वायर्ड नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला है आपका नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ये पहला ये नॉलेज है कि बिज़नेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसीलिए ऑडिटर्स को अकाउंट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है वो कंपनी की हर छोटी बड़ी गलतियों को ढूंढ सके और उसके ओनर को उसके बारे में क्या है बता सके। इसे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और वो उसमें होने वाली गलतियों की पहचान कर सके। ठीक है, तो ऑडिटर जो होता है उसको पहले क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसे पता होना चाहिए। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, दूसरा है नॉलेज ऑफ बिजनेस टेक्निक्स, व्यवसायिक तकनीकों का ज्ञान। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दूसरी क्वालिटीज़ ये होती है कि हर एक बिज़नेस की क्या होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के, और एक ऑडिटर जो होता है वो हर तरह के बिज़नेस के अकाउंट्स बुक की चेकिंग करता है। इसीलिए ये क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि ऑडिटर को हर एक उस टेक्निक के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो अलग अलग बिज़नेस के द्वारा क्या है अपनाई जाती हैं और वह अपने कामों को क्या है अच्छे से कर सकता है। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, दूसरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो बिज़नेस टेक्निक्स के जो ज्ञान है उसकी नॉलेज उसे होनी चाहिए। तीसरी बात करें नॉलेज ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन का ज्ञान। व्यवसाय संगठन का ज्ञान मतलब ये हुआ कि जो एक ऑडिटर को बिज़नेस के अलग अलग एस्पेक्ट या पैटर्न के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एक कंपनी के लिए अलग अलग रजिस्टर रखना ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना क्या है बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन सोल प्रोप्रेटर या पार्टनरशिप में ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह अलग अलग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्यवसाय संगठन का भी उसके पास ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट नॉलेज है नॉलेज ऑफ द बिज़नेस लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, सेल्स एक्ट हैं, इनकम टैक्स एक्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटर की एक और ये क्वालिटी होती है उसे क्या होना चाहिए, जितने भी व्यवसायिक अधिनियम जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं, बिज़नेस के लो जो लॉज होते हैं उसके बारे में उसको जानकारी होनी कंपलसरी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, इन सभी मीन्स ठीक है इन सभी लॉज के बारे में क्या होनी चाहिए सही जानकारी, ताकि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को फॉलो कर सकता है और क्या कर सकता है उसे अच्छे से पूरा कर सकता है। नेक्स्ट नॉलेज की अगर हम बात करें है नॉलेज ऑफ़ दी अदर सब्जेक्ट्स, कि उसे अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए।
अन्य विषयों का मतलब ये हुआ कि एक ऑडिटर को ये भी ऊपरी सारी क्वालिटीज़ दी गई, ये सारी क्वालिटीज़ के अलावा उसे क्या होने चाहिए, अन्य विषयों मीन्स अदर सब्जेक्ट के बारे में उसे नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज की हम बात करें तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टैट्स, इन सारी चीज़ों की नॉलेज भी उसे पास होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटीज़ अगर हम देखें, बॉर्न क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटी, मतलब बॉर्न क्वालिटीज़ या पर्सनल क्वालिटीज़ जो जन्मजात से, ठीक है, जन्मजात गुण से, जैसे अगर ईमानदार वो होना चाहिए, ऑडिटर क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी मतलब एक ऑडिटर के बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, अगर वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा करना चाहता है तो उसे क्या है, हमेशा क्या होना, ईमानदार, ईमानदारी को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और ऑडिटिंग करते वक्त वो जो चीज़ें उसे सही नहीं लगती उसे सर्टिफाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ ये है कि वो ईमानदार होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट और फियरलेस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो कि स्वतंत्र और निर्भीक, मीन्स ऑडिटर को इंडिपेंडेंट और फियरलेस होना चाहिए, मतलब उसे मैनेजमेंट के दबाव में आकर, मतलब मैनेजमेंट के प्रेशर में आकर या उसके दबाव में आकर उसे कोई काम करना नहीं चाहिए। क्योंकि वो ऑडिटर किसी के दबाव में आकर काम करेगा तो क्या है, उसे बहुत सारी गलतियों का क्या करना है, फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ़िशियंट सिचुएशन, मतलब इफ़िशियंट सिचुएशंस में हैंडल कर सके। इफ़िशियंट का मतलब वो कार्यकुशल होना चाहिए। कार्यकुशल का मतलब ये हो कि ऑडिटर की एक और ये क्वालिटी होती है कि उसे कार्यकुशल होना चाहिए, उसे इफ़िशियंट होना चाहिए, ताकि क्या है, हर एक अलग अलग सिचुएशन में वह ट्रांजेक्शन्स की चेकिंग कर सके। इफ़िशियंट होने से क्या होता है, कंपनी के स्टाफ के अपने क्वेश्चंस के सहारे उन फैक्ट्स के बारे में पता कर लें जिनकी जानकारी से उसे क्या है, नहीं दी गई है, तो क्या होना चाहिए, इफ़िशियंट होना चाहिए। नेक्स्ट टैक्टफुल, चालाक होना चाहिए। टैक्टफुल का मतलब उसे चतुर होना चाहिए, मतलब कि एक ऑडिटर को क्या होता है, चालाक भी होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटिंग के प्रोसेस भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो क्या होना चाहिए, उसे चतुर भी सॉल्व, मीन्स टैक्टफुल्ली उसे सॉल्व करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वालिटी की बात करें, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। धैर्य का मतलब ये हुआ कि एक ऑडिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये भी होती है कि उसके अंदर एक पेशेंस, एक धैर्य होना चाहिए, जिससे उसे जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। ये मतलब कि ये पॉसिबल है कि ऑडिटिंग का जो वर्क है वो थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, थका देने वाला भी होता है, एरर्स जल्दी नहीं मिलती है, फिर भी उसे क्या होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अलर्ट माइंड। अलर्ट माइंड में अगर हम देखें, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कोई भूल, ठीक है, करेक्ट करने की उसके पास क्या होनी चाहिए, माइंड उसका क्या होना चाहिए, सही रहना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स जो है बात करने का जो भी है वो क्या होना चाहिए, स्किल्स अच्छा रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉट टू बी सस्पिशियस, जल्दीबाजी में हमें कोई घबराना नहीं है। एबिलिटी टू करेक्ट वन सेल्फ, एबिलिटी टू करेक्ट वन सेल्फ का मतलब हुआ भूल सुधारने की क्षमता। मान लो कि ऑडिटर के द्वारा क्या होती है, अपनी कोई भूल हो जाती है तो उसे करेक्ट करने की क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए। अगर उसे कोई कुछ बातें या कुछ पॉइंट समझ में ना आए तो उसे बार बार पूछ कर क्या होता है, क्लैरिफाई करना चाहिए। तो ये आपकी थी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर की क्या होनी चाहिए, कि एक तो उसके पास एक्वायर्ड नॉलेज चाहिए और एक कुछ बॉर्न जन्मजात जो गुण होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ऑडिटिंग के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, अंकेक्षण के जो तकनीक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझेंगे और कौन कौन से इसके टेक्निक्स या मेथड्स हैं उसको समझेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें तो किसी भी बिजनेस के जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। और रिकॉर्ड करने में कभी कभी क्या होती हैं, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, और इसमें जब कुछ गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं तो उसे जानबूझकर कुछ क्या होती हैं, जानबूझकर कर दी जाती हैं। अब इसके लिए क्या होता है, ऑडिट करने की टेक्निक्स होती है, जिससे हम क्या ऑडिटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। अब क्या होता है कि इन सारी गलतियों को फाइंड आउट करना या उसका पता लगाने में एक ऑडिटर की हेल्प करती है। एक ऑडिटर को ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जानकारी के साथ साथ उनकी प्रोसेस और टेक्निक्स के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि अकाउंट्स को चेक करने या जांच करने का काम क्या हो, आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो यही होती हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है कि ऑडिट टेक्निक्स स्टैंड फॉर द मेथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय एन ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस, ठीक है।
ऑडिट टेक्निक इसलिए की जाती है, वो मेथड्स होती हैं जो अडॉप्ट की जाती हैं एक ऑडिटर के द्वारा, ताकि वो एविडेंस या सबूत क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। बहुत सारी टेक्निक्स जो होती हैं, वेरियस टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग कैन बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी मेथड्स हैं जो कि ऑडिटर के ऑडिटर अप्लाई करता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस में। तो जो मेथड वो एविडेंस कलेक्ट करता है उसी को हम ऑडिटिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिटिंग टेक्निक्स। वो मेथड जिससे क्या हम एविडेंस को, सबूत को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग टेक्निक्स। अब मीन्स ऑडिटिंग टेक्निक का मतलब यही हुआ कि इन तरीकों से होता है जिनकी हेल्प से एक ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटिंग करते वक्त एविडेंस को कलेक्ट करता है, और ऑडिटिंग करते वक्त एक ऑडिटर के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, अपनाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे ऑडिटिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। हम पहला टेक्निक अपनाएंगे, पहला मेथड हम करेंगे कि पोस्टिंग में क्या हम उसको वेरीफाई करेंगे, उसको देखेंगे। तो ऑडिटिंग की सबसे पहली टेक्निक्स ये होती है कि जितनी भी पोस्टिंग की गई है हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। उसको वेरीफाई करना या सत्यापन करना है कि वो सही है या नहीं। एक ऑडिटर जर्नल से लेज़र में जितनी भी पोस्टिंग होती है उन सब के बैलेंस को क्या करता है, चेक करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पोस्टिंग को कि वो सही से पोस्ट हुए हैं कि नहीं, उसे हम चेक करेंगे। दूसरा है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ, फिज़िकल एग्जामिनेशन से मतलब ये है कि कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, जो भी संपत्तियां हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना कि वो कंपनी में मौजूद हैं या नहीं, या बैलेंस शीट में ऐसे ही दिखाई गई हैं। मतलब बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स शो की जाती हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सभी एसेट्स को खुद एक ऑडिटर क्या करता है, वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कंपनी में मौजूद है ही नहीं, लेकिन हम बैलेंस शीट में उसे हम असेट्स में सो किए, तो ऐसा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जाकर चेक करना। दूसरा एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, मतलब कि ये होता है ये कंफर्म करना कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो जेन्युइन है नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको चेक किया जाता है। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसके अप्रूवल को चेक करना, और कुछ इस विशेष परिस्थितियों में से छोड़कर एक ऑडिटर को हमेशा क्या होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही एविडेंस के रूप में क्या है, एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स का मतलब ये हुआ होता है कि सेम नेचर के सभी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करना। अगर हम कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक, परचेस बुक के लिए हम परचेस बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक, इस तरह और भी अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, तो कैश बुक से हमारा जो बैलेंस शो कर रहा है उसे हम क्या करते हैं, वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन। इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन का मतलब हुआ कि ये ऑडिटिंग टेक्निक्स एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स होती है कि किसी भी पॉइंट पर अगर ऑडिटर को कोई डाउट हो तो वो क्या कर सकता है, लोगों से पूछताछ कर सकता है। अगर कंपनी के अकाउंट्स में डेप्टर्स का कोई बैलेंस शो कर रहा है तो उसे कन्फर्म करने के लिए डेप्टर से क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट भी मांग सकता है। इस तरह क्या होता है कि कन्फर्मेशंस वो टेक्निक्स होती हैं जब ऑडिटर के द्वारा यूज़ की जाती है और ट्रांजैक्शंस का पता लगाने के लिए वो क्या है, सही है या नहीं, इसीलिए हम उसका एग्जाम क्या करते हैं, इंक्वायरी और कन्फर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग। हम क्या करते हैं, टेस्ट चेकिंग करते हैं, फिर उसका वाउचिंग, ठीक है, एविडेंस। तो ये आपकी क्या थी, ऑडिटिंग के टेक्निक्स थे, कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अंकेक्षण कार्यपत्र कहते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, वर्किंग पेपर्स आर द रिकॉर्ड ऑफ वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, एलोकेशन ऑफ वर्क बिटवीन ऑडिट टीम मेंबर्स एंड ETC। देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर वो होता है जिसके बेसिस पर ऑडिटर अपने काम को पूरा करता है, उसे कंट्रोल करता है, और ऑडिटिंग से रिलेटेड क्या होता है, रिपोर्ट देता है। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटिंग के दौरान क्या होता है, एक ऑडिटर के द्वारा कलेक्ट किए गए जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी लिस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या जिनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। सारे फैक्ट्स क्या होता है, एक जगह ऑडिटर के द्वारा क्या होता है, कलेक्ट किए जाते हैं, और इसे ऑडिटर अपने पास ही रखता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स
बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि ऑडिट वर्किंग पेपर में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं, विषय सामग्री कौन कौन सी शामिल रहती हैं, ऑडिट की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट लेटर रहती है, ऑडिट प्रोग्राम रहते हैं, ऑडिट नोटबुक रहते हैं, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन रिलेटेड पेपर्स रहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस रहते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हुई, एक कॉपी होती है ऑडिट रिपोर्ट की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्रीज, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक सब्जेक्ट मतलब वर्किंग पेपर्स में क्या होती हैं, शामिल रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब हम उसके इंपॉर्टेंस से अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्लानिंग द ऑडिट। ये ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिट के प्लानिंग का एक बेसिस है। दूसरा है, अगर हम ऑडिट वर्किंग पेपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्या होता है कि ऑडिटर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सके। इट इज़ बेसिस फॉर रिव्यू बाय सुपरवाइजर एंड पार्टनर्स, जो ऑडिटिंग प्रोसेस को और इजी बनाया जा सके। इंक्रीज द इकोनॉमी एंड इफिशेंसी, ऑडिट स्टाफ में अलग अलग कामों को डाइवर्जन किया जा सके, किसी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंस होती हैं कि इसलिए बनाए जाते हैं कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सके इसमें, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब होती हैं आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, निरंतर लेखा परीक्षा क्या होता है। आपके 4 मार्क्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के और 20 मार्क्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, कंटिन्यूस ऑडिट की हम बात करें, इसे हिंदी में बोलते हैं निरंतर लेखा परीक्षा। मतलब कि अगर हम नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या है, कंटिन्यू का मतलब हुआ कि जो लगातार या निरंतर क्या होता है, चलते रहना। तो एक कंटिन्यूस ऑडिट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस दैट एग्जामिन्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, रिस्क कंट्रोल्स, कॉम्प्लायंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड बिजनेस प्रोसीजर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। हिंदी में भी मैंने यहाँ लिखा है, एक सतत ऑडिटिंग एक आंतरिक प्रक्रिया है जो निरंतर आधार पर लेखांकन प्रथाओं, जोखिम नियंत्रण, अनुपालन, सूचना प्रौद्योगिक प्रणालियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की जांच करता है। तो कंटिन्यू ऑडिट क्या होता है, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है जहां टर्नओवर या लेन देन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो कंटिन्यूस ऑडिट का यूज़ होता है। ये जो होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसमें पूरे साल ऑडिट का काम किया जाता है, इसमें एक ऑडिटर के जो भी एक CA होता है, ठीक है, इसे जब कंपनी से ऑडिट करने के लिए रिक्वेस्ट जाती है तो वो अपने जूनियर स्टाफ यानी सहायक को उस कंपनी में क्या करता है, भेज देता है, और वहाँ से क्या होता है, हिसाब किताब हो रहे हैं, और जो हिसाब किताब हो रहे हैं उनकी क्या होता है, उनकी जांच करते हैं, और इस तरह से वो रोज़ वहाँ जाते हैं और डेली के ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, और बीच बीच में ऑडिटर खुद उस कंपनी में जाकर उनको उसके इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन लेता है, अपनी प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसे डिस्कस करके सॉल्व करता है और चला जाता है। तो इसी तरह सारे अकाउंट्स की ऑडिट जो है हम पूरे साल की जाती है, पूरे साल चलती रहती है, और साल के एंड में ऑडिटिंग का काम क्या होता है, ख़त्म होता है, और ऑडिटर जो होता है अपनी रिपोर्ट देता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, कंटिन्यूस ऑडिट होता है। तो यही बताना कि एक इंटरनल प्रोसेस होता है, आंतरिक होता है, जिसमें जो भी अकाउंटिंग के प्रैक्टिस हैं, जो भी उसके इंफॉर्मेशन हैं, वो सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। जब अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है एक साल के अंदर और ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। पहला दिया गया है, इसका लाभ ये दिया गया है, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, त्रुटियों धोखाधड़ी की खोज। देखो, किसी कंपनी में क्या होता है, किसी कंपनी की कंटिन्यूस ऑडिट कराने से, उसके कराने से क्या होता है, एरर और उसमें जो होने वाली फ्रॉड्स होती हैं उसका क्या होता है, जल्दी से पता चल जाता है, क्योंकि सारी एंट्रीज करने के बाद तुरंत उनकी जांच होती है, और उससे ये भी एक बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है कि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें कोई फ्रॉड करने का टाइम नहीं मिल पाता और इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहला इसका एडवांटेजेस, पहला लाभ यही है कि हम जल्दी से क्या करें, उसके गलतियों को, उसको त्रुटियों, धोखाधड़ी का क्या करते हैं, उसको हम पता लगाते हैं। दूसरा है इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक
बुक्स ऑफ अकाउंट। इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हुआ कि लेखा पुस्तकों की जांच, मतलब ये हुआ कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हम क्या करते हैं उसकी जांच होना है होना करते हैं, ताकि इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें ऑडिटिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, पूरे साल चलती है। और जब पूरे साल चलती है जिसमें एक ऑडिटर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करने में क्या होती है, काफ़ी टाइम मिल पाता है। और ऑडिटर उसके जो भी सहायक होते हैं उसके पास सारी रिपोर्ट एक ही बार में आकर थोड़ी थोड़ी सी चेकिंग के लिए अवेलेबल हो पाती है, और जिससे उन्हें अच्छी क्या अच्छे से जांच भी पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पर इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, यही बताया गया। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर एट वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में त्रुटियों का पता लग गया। कंटिन्यूस ऑडिट में होने से ये होता है कि जो भी एरर्स या गलतियों की नॉलेज या जानकारी उसी टाइम हो जाती है जब वो क्या होते हैं, रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह क्या होता है, शुरू में उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा होने से क्या होता है, दूसरे अकाउंट्स का उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो किसी दूसरे अकाउंट्स को सही करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखें, मॉरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। मतलब कंटिन्यूस ऑडिट का एक और ये भी फायदा होता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट जो है पूरे साल चलती रहती है, जिनकी वजह से एम्प्लॉई या जो अकाउंटेंट होते हैं वो अपने अपने काम में सतर्क रहते हैं और अच्छे से काम क्या है करते रहते हैं। तो कंटिन्यूस ऑडिट के एक एडवांटेज ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वर्क कैपेसिटी क्या है बढ़ती है। नेक्स्ट है एडवांटेज, अगर इसकी बात करें, अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों की शुरुआत प्रस्तुति। मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूस ऑडिट का काम पूरे साल चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि अकाउंटिंग की प्रोसेस भी साथ साथ क्या है वो चलती रहती है, और जब साथ साथ चलती रहती है और इसके इसमें सारे अकाउंट्स जो है प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं और साल खत्म होने तक फाइनल अकाउंट्स क्या हैं तैयार किए जाते हैं। लास्ट इसके लाभ है क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम, लेखा प्रणाली में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, तो ये आपके कंटिन्यूस ऑडिट थे, क्या उसकी मीनिंग होती है और क्या उसके एडवांटेज हैं, ये सारे पॉइंट्स आप अगर एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हो आप अच्छे नंबर्स गेन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, द ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग सफिशियंट एविडेंस टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इनफॉर्म्ड ओपिनियन ऑन सच अ स्टेटमेंट। ऑडिट प्रोग्राम अगर हम सिंपल में समझें तो ऑडिट प्रोग्राम एक ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इसका बेनिफिट सिर्फ एक है कि ऑडिटर को नहीं, कंपनी के ऑनर और उसके एम्प्लॉय को भी होता है, जो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है कि इसे कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है, ऑडिटर प्रिपेयर करता है। अब जैसे इसमें फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर्ड किए जाते हैं, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग, मतलब कि जो ऑडिटिंग के स्कोप हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से हमें क्या चलने चाहिए। कंसिडर्ड पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, मतलब एरर होने की संभावना क्या को कंसिडर्ड किया जाता है। तीसरा है अप्लाई ओनली दोज प्रोसीजर इंपॉर्टेंट फॉर वेरिफिकेशन, वही प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं जो वेरिफिकेशन, जो सत्यापन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं।